आप देख रहे हैं अनपैड्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय रानी बाग में मौजूद है जहाँ पर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से कल अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान हमारे देश के जवान जो है शहीद हुए हैं, उसी को लेकर जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, उसका जो ध्वज है वो भी जो है जलाया जा रहा है। यहाँ पर साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता तमाम यहाँ पर हाथों में तिरंगा लिए जो है वो अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। पाकिस्तान INDIA जवाब दो। INDIA वाले कह रहे हैं उनसे बातचीत होनी चाहिए, क्या जूता नहीं मारेगा हिंदुस्तान उनको? INDIA स्पष्ट करे पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए कि पाकिस्तान से युद्ध होना चाहिए। इस टाइम सारी पार्टियां इकट्ठी होनी चाहिए, ये देश का प्रश्न है। मेरा एक कर्नल गया है, मेरा एक मेजर गया है, मेरा एक DYSP, अरे छोटी बच्ची 2 महीनों की, आज वो बार बार प्रश्न करने का प्रयास करना चाहती है कि ये राजनीतिक पार्टियां क्यों खड़ा बनाने का प्रयास करना चाहती है। और BCCI ये कहती है मैच होगा उस पाकिस्तान के साथ जिसने मेरे कर्नल को, मेरे मेजर को और मेरे DYSP को मार दिया। और INDIA वो कहती है बातचीत करो, अरे कोई बातचीत नहीं होगी, ना मैच होगा ना बातचीत होगी। और जो लोग ये बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की जनता उनको नस्से नबूद कर रहे हैं। तो इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से हमारे देश के जवान शहीद हुए उनके बलिदान को हमें भूलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो है हमें अब कदम उठाने की जरूरत है। साफ तौर से कहना है कि प्रशासन को, सरकार को अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर हूँ, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।